The street show present. कितना अजीब लगता है ना, जब कोई अनजान नजरें घूरते हुए आपका पीछा करती हैं, जब कोई साया डराते हुए आपके रास्ते को लंबा करता चला जाता है, जब कोई घिनौने हाथ आपकी रूह को छू कर चले जाते हैं, जब तेज कदमों की आहट हमारे साथ होती है लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता। क्यों हमें लोग घूर कर देखते हैं? क्यों हमारा दुपट्टा सरकते ही सबकी आंखें हम पर टिक जाती हैं? क्यों हमारी कसी जीन से सबकी नसें कस जाती हैं? हम तो कभी भी किसी के शर्ट के बटन या फिर खुली जीन्स देखकर उसका कैरेक्टर जज नहीं करते, फिर हमारा टॉप हमारा कैरेक्टर कैसे बता सकता है? क्यों हमें बैठने का तरीका सिखाया जाता है? क्यों हमें चलने का तरीका सिखाया जाता है? क्यों हमारे तेज हंसने से सबको दिक्कत होती है? आखिर क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, और आखिर कब तक होता रहेगा? मैं एक लड़की हूँ, एक ऐसी लड़की जो ना ही अपनी इच्छा से जी सकती है, ना ही खुद के फैसले ले सकती है और ना ही खुलकर बोल सकती है। उसके बाद भी रेप होने पर हमारी ही गलतियाँ निकाली जाती हैं। देर रात घर से मत निकलो, ऐसे कपड़े मत पहनो, पैर फैलाकर मत बैठो, तेज मत बोलो, और ना जाने क्या क्या करने से रोका जाता है। हमें तो इतना समझा दिया आपने, लेकिन क्या कभी आपने अपने लड़के से कहा है कि बेटा लड़कियों की इज्जत करो, ना कि उनका रेप? आप लोग हमारे साथ हुए रेप का कारण हमारे कपड़े बताते हो ना, हमारा तेज चलना, हमारा हंसना हमारे रेप का कारण होता है। अगर ऐसा है तो आप हमारे लिए एक ड्रेस कोड तय कर दो, हमारे चलने और हमारे हंसने का एक लेवल तय कर दो, लेकिन उसके बाद हमारा रेप नहीं होगा ये बात भी तय कर दो। अरे आखिर कब तक अपनी कायरता को इसी तरह से सहारा बनाते रहोगे? कब तक अपनी गंदी नजर का दोष हम पर डालते रहोगे? कब तक अपनी हवस का शिकार यूं ही हमें बनाते रहोगे? शायद हम तुमसे शिकायत ही गलत कर रहे हैं। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे उन संस्कारों की है जिनमें महिलाओं के सम्मान की बात ही नहीं होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही द स्ट्रीट शो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन दबाया, देखिए घंटा दबाना ना भूलें। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।